أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين النبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى व आतिम्बल हज्जलमरतः हज़र निगरामी हरमत वाले महीने के मशरू अमाल और ममनो अमाल यानी वो जो कोताहिया और गलतियाँ इस महीने में होती है इस तल्लक़ से बात चल रही है खसूस तौर पर हाजी और मतमरिन के लिए क्या क्या गलतियाँ उनसे सरजद होती है ताकि हमारा और आपका हज हाजी का हज सुनत रसूल के मुताबिक हो प्यारे नबी सरमायाल अल जन्ना सुन्नत के मुताबिक किया हुआ हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है सुन्नत के मुताबिक जो हज किया जाता है उस हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक हज अंजाम देने की कोशिश करें इससे पहले हमने कल के दरस में मालूम किए कि हाजी से उम्रे से मुताल क्या क्या गलतियां सरजद होती है उसी से मुतालिक है कि एक सफर में एक से जायद उमरा करना कैसा है एक सफर में एक से जायद उम्र कैसा है तो हाजरेन साहब इक्राम से प्यारा नबी सफर में एक ही उमरा करने का सबूत मिलता है ताहम अकर ने यह कहा है और मुफ्तियों का यह फतवा है कि चूंकि दूर दराज से अफ़राद आते हैं और बहुत सारे जिंदगी में एक बार आते हैं तो अगर वो मीकात पार करके जाता है तो और एक उमरा करना चाहे तो कर सकता है कि सर के बाल थोड़े बड़े हो गए और मीकात पार करके जा रहा है तो कर सकता है मीकात के अंदर रहते हुए जैसे मस्जिद आयशा जाकर बार बार उमरा नहीं होगा ये हाजी और मोहमेन से जो गलतियां होती है उनमें से एक बहुत बड़ी गलती है फिर और एक मुकाम जिसका नाम है जे राना आम तौर से लोग बोलचाल में उसको जोर राना बोलते हैं तो ये जे राना इस जगह से भी हज नहीं होगा अब सवाल ये पैदा होता है तो सऊदी गवर्नमेंट मस्जिद आयशा उसका पुराना नाम हदीस में उसका नाम है तनईम तनयीम वहां पर हमामत क्यों बनाए रखे हैं वहां पर एहराम बांधने के लिए मौका क्यों देते हैं जयराना में क्यों हमामत बना के रखे हैं एहराम बांधने का क्यों मौका देते हैं आप जाकर देखो कि मस्जिद आयशा में और जयराना में सारे तकरीबन लोग जो रहते हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यही शरीफ के लोग रहते हैं बाकी आपको अरब के लोग नहीं मिलेंगे वहां पर हाँ, मीकात जो सबसे करीबी मीकात है वो है करनुल मनाजिल हदीस में उसका नाम है करनुल मनाजिल और वो है ताइफ में आज उसका नाम है आज जो ड्राइवर लोग बोलते हैं उसका नया नाम है अल सैल कबीर सैल कबीर उसका नाम है आपको अगर बोलना है कोई जा रहे हैं कि मीकात जो करीबी मीकात है मेरे ख्याल से सत्तर किलोमीटर के आसपास में है वो हरम से तो यानी जो ताइ सिटी है उससे भी बहुत पहले हैं पहले हैं साहिल कबीर बोलते हैं उसको हदीस में उसका नाम है कर्नल मनाजिल सबसे करीबी मीकात है और सबसे दूर की मीकात है मदीने की मीकात तकरीबन साढ़े चार सौ किलोमीटर है जो कि जुल्हलीफा है बहुत दूर की मीकात है वो हाँ कोई अगर चलो ठीक है वो पार करके गया है वहां जाके बांध के आता है सर के बाल थोड़े बड़े हुए हैं अब क्या करते है? लोग रोजाना कर रहे हैं रोजाना अरे भाई बाल मुड़ने के लिए तो कुछ रहना चाहिए अब उसमें गलत काम क्या करते मालूम है यहां थोड़ा काटे वहां थोड़ा काटे यहां थोड़ा काटे ये गलत है हदीसों में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया आम हालतों में भी आम हालतों में भी जो कटिंग करते हैं ना बच्चों के या नीचे एकदम मशीन ऊपर बड़े बड़े एक तरफ छोटे एक तरफ बड़े अजीब तरह कटिंग नबी ने कहा कि ये गलत है नबी ने फरमाया इक्वल तरीके से काटो बाल इक्वल तरीके से काटो तो सर के बाल अगर आपको काटना है मुकम्मल पूरे सर में से थोड़ा कटिंग कर लीजिए अगर आपको फिर दोबारा इरादा है तो कटिंग कर लीजिए लेकिन ऐसा ना करें यहां से थोड़ा वहां से थोड़ा ये गलत गलत काम है ये फिर उसके बाद अब दोबारा मीकात पार करके जा रहे हैं सर में थोड़ा बहुत बाल उग चुके हैं तो आप कर सकते हैं मीकात पार करके जाना है मीकात के अंदर अब बात रही मस्जिद आयशा और जे राना तो क्यों है ये क्यों है ये मस्जिद आयशा ये नापाक ख़वातीन उन ख़वातीन के लिए उजुर वाली वो ख़वातीन जो एहराम हज और उम्र का एहराम बाँध ली है और बाँध लेने के बाद वो नापाक हो गई हैं अब तवाफ उनका बाकी रहेगा जैसे सही बुखारी की हदीस है अम्मा आय ताला अल्लाह तफर हज में नापाक हो गई अब आते हैं सबसे पहले उम्र करना है वो तो तमत्ते जो तमत्तो करने वाला पहले उमरा करता है उमरा करना है रोने लगी नबी ने कहा क्या माजे रहा तो फितरी बात है क्यों रो रही हो कुल्ला अलीकुल्ला इल्ला तवाफ इल्ला अंत तूफी तवाफ के अलावा सारा काम करो तवाफ के अलावा सारा काम करो मस्जिद में जाओ सही भी करो जमजम पियो अस्कार करो तिलावत करो सब करो सिर्फ नमाज तो पहले से ही म, म, मना है और साथ साथ तवाफ एक नहीं करना है तवाफ तुम्हारा बाकी रहेगा तवाफ तुम्हारा बाकी रहेगा तो अगर कोई उम्र के इरादा करने के बाद नापाक हो गई है तो ऐसी सूरत में उसका तवाफ बाकी है अब ये जो उजर वाली खातून है जब पाक होगी पाक होने के बाद उनको एहराम के इरादे के लिए मस्जिद आयशा जाना है क्यों उसका नाम मस्जिद आयशा हुआ क्योंकि हजरत आयशा का वाकया जब वो पाक हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुलरहमान बिन अबी बकर से कहा अपनी बहन को तनईम लेकर जाओ तनईम उस वक्त तक मस्जिद आयशा नहीं थी तनईम लेकर जाओ वहां से एहराम का इरादा करवा के ला तवाफ जो बाकी है वो कराओ सिर्फ तवाफ जो बाकी है वो कराओ अब्दरहमान बिन अबी बकर अपनी बहन आयशा बिन तबी बकर को लेकर गए लेकर जाने के बाद बहन इरादा कर लिए अहरामबाद के आके तवाफ कराए इस वाक्य से वहां नाम हो गया मस्जिद आयशा नाम पड़ गया मस्जिद आयशा अब देखो अगर मस्जिद आयशा से तनीम से और एक उमरा करना जायज होता और से सुनिए इसको हजरत आयशा ताला दिल्ला के साथ उनके भाई अब्दुलरहमान भी अभी बकर गए थे कि नहीं गए थे वो साथ में गए थे बहन अहराम का इरादा कर रही है ये भी अहराम बात के आ सकते थे चलो बहन के साथ मैं एक उम्र कर लेता हूं अगर वहां से जायज होता नहीं किए साहबा में यह था ही नहीं है तो मस्जिद आयशा से सिर्फ उजुर वाली खातून के लिए है इसीलिए अब जब वहां जाके कोई एहराम वादेगी उसको जरूरत पड़ेगी गुसल के दिगर चीजों के इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पर हमाम बनाकर रखे हैं उजर वाली खुवान के लिए वहां जाकर वो पाकि सफाई हासिल करे गुसल करे इसलिए बस समझ में आ रही है तो मस्जिद आयशा से बार बार उम्र करना जाते हैं मर्द लोग जा रहे हैं और जो है हफ्ते में चार पांच उम्र कर ले रहे हैं गलत बात याद रखो ये या आपके हासिल तहसील है याद रखो कुछ होने वाला नहीं है ये गलती जो आमतौर से करते हैं जी इर क्यों है भाई जे राना देखो क्यों है एक होता है वहां का रहने वाला हरम में मिकात के अंदर रहने वाला और है जो बाहर से मिकात से बाहर से आने वाला से बाहर से आने वाला अब जो लोग मिकात के अंदर ही हैं, या हदुद हरम के अंदर है वो अपने अपने घरों से ही बांध लेंगे अलबत्ता एक चीज क्या है जो लोग बाहर से आने वाले हैं बाहर से आने वाले बाहर से आने वाले इंडिया से कोई जा रहा है, हैदोदे हरम में जा रहा है या मीकात के अंदर जा रहा है मक्के में उसको ड्यूटी लगी मक्के में समझ लीजिए उसको ड्यूटी लगी है यहां से जा रहा है इरादा क्या है ड्यूटी के इरादे से जा रहा है उम्रे का इरादा नहीं है ड्यूटी के इरादे से जा रहा है, है बाहर वाला वहां गया वहां जाने के बाद ड्यूटी ज्वाइन किया ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद चार छह महीने के बाद उसको कंपनी से परमिशन मिला या जो भी हो दो चार दिन के बाद अब वो एहराम का इरादा कर रहा है ऐसा आदमी जेर राना जाना है ऐसा आदमी जेर राना जाना है जो बाहर का है और मिकात पार कर लिया एहराम का हज के इरादा नहीं है बगैर एहराम के पार कर लिया है पहले से ही आपका हजुमरे के इरादा है आप मिकात बगैर हराम के पार कर ही नहीं सकते हो करोगे तो दम देना पड़ेगा गुना है ये अहराम मिकात से पहले बांध लेना पड़ेगा मिकाद के अंदर अगर बाद रहे वो किसके लिए जो पहले से चला गया इरादा नहीं था बिजनेस के इरादे से गया अब मौका मिला है ऐसे जो आफाकी है बाहर से आने वाला वो क्या करेगा जेना जाके वहां से अहराम के इरादा करके अहरामबाद के आएगा और उसके बाद उमरा करेगा बात आ रही इसीलिए जियराना भी है साहब अकराम कभी आते इरादा उनका नहीं था उमरे का अंदर आ गए मिकात पार करके जो पार करके आ गए फिर इरादा बनता है तो जेर राना जाते जेर राना से जाके उमरे के इरादा करते थे अब हम जो राह जा रहे पहले से हम जा रहे हजर उम्रे के इरादे से ही तो मिकात से पहले अगर आप मिकात से पहले आराम नहीं बांधेंगे तो आपका होगा ही नहीं इसीलिए मिकात पार करके जाना है वहां जाके फिर दोबारा अहराम बांध के आओ तो आपका और एक उमरा हो सकता है इससे मुतालिक आखिरी चीज जो गलती हो रही है और मुझे चंद दिन पहले फोन भी वहां से आया था कि वहां जो लोग हैं उनको ये तालीम दे रहे हैं एक काम करो हरम में हो तो अब नफिल नमाज मत पढ़ो कजाय उम्री करो क्या क्या लोग करते हैं कजाय उम्री करो क्योंकि फर्ज नमाज के की कजा बहुत अहम है फर्ज की अहमियत ज्यादा है नफिल की तो बात है बिल्कुल सही है फर्ज की अहमियत अपनी जगह पर मुसलम है नफिल की अहमियत फर्ज के मुकाबले में कम ही है लेकिन फर्ज की कजा का तरीका भी नबी से लेना चाहिए क्या नबी ने कभी साहबा से कहा कि कजाय उम्री तुम हज उमरी के सफर में आके यहां हदुदे हरम में या मक्के में जाकर हरम में जाकर तुम कजा उम्री करते रहो हर नमाज के साथ एक नमाज जोर के साथ और एक जोर म, आ, असर के साथ और एक असर मगरब साथ और एक मगरब हमेशा करते रहो ये बिदात का तरीका याद रखो इस तरह के कजाए उम्री का कोई तरीका साबित नहीं है हाँ फर्ज नमाज की कजा फर्ज नमाज ही है अगर आपको याद हो तो याद नहीं है कितनी रकात छोड़े कि कितनी नमाजें छोड़े पता नहीं है तो क्या करना है शरीयत ने सिंपल तरीका बताया है तो नबला है तोबा कर लो तोबा सारे गुनाहों को मिटा देती है यह नबी का तरीका है ये नबी का यह सुन्नत का तरीका है मसनून तरीका है और आप जो कर रहे को नहीं हमेशा एक नमाज के साथ और एक फर्ज नमाज खजाए उम्री करते रहो जब तक यहां हुदूद आरम में आए और एक, एक अगर आपने जोहर पढ़ लिया तो एक लाख जोहर के बराबर हो गया एक लाख जोहर छूट गया ये सब कयास है आपकी गेसिंग है और इबादत में गेसिंग नहीं चल सकती है इबादत ला कयास फिल इबादत याद रखो इबादत में कयास नहीं है ये उसूल है ये फिक्का इबादत में कयास नहीं कर सकते हो इबादत जो के तू जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा वही करना आपको पक्का याद है मेरी इतनी रकातें छूटी है ठीक आप पता करो याद नहीं है तो तौबा करो इस्तार करो बल्कि नबी ने तो यह कहा क्यामत के मैदान में आदमी के फराइज का पहले हिसाब किताब लिया जाएगा फराइज में कोताही हो गई है तो नवाफिल से पूरा किया जाएगा तो आपको तो चाहिए कि कसरत से नफिल ही पढ़े नफिल पढ़े कसरत से फर्ज कितने याद नहीं है तो नफिल पढ़ो तोबा करो नवाफिल के जरिए से आपके फराइज की कोताही पूरी हो जाएगी दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको गलतियों से खास तौर से हाजियों को गलतियों से महफूज रखें सुन्नत रसूल के मुताबिक हज करने के तौफीक अता फरमाए आमीन सुबह हमदुक अशदुल्लला इलाह इल्ला अंता अस्तगफुरुक व अतौब इलैका सल्लल्लाहु